आज जल जीवन मिशन जो पूरे भारतवर्ष में जिसमें पूर्वी सिंहभूम में भी 2024 तक चलाया जाना है, जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण घरों को क्रियाशील नल जल से आच्छादित किया जाना है, इसके तहत जो ज़िले में जो कार्य योजना बनी है कि किस तरह हम लोग प्रत्येक घरों को किस किस योजना से कैसे हम लोग उसको हर एक घर में नल कनेक्शन देंगे, उसी के तहत जिला स्तरीय आज एक वर्क कार्यशाला का प्रारंभ किया गया है। और इस कार्यशाला में जैसे आप लोग जानते हैं कि जिला स्तरीय जल जीवन मिशन के चेयरमैन आदरणीय उपायुक्त महोदया हैं, और आज के इस कार्यशाला में जिला स्तरीय पदाधिकारीगण आए हुए हैं, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी जो प्रखंड लेवल में इसकी मॉनिटरिंग करेंगे वो उपस्थित है, और सबसे जो ग्रास लेवल में जो हमारे जलसैया दीदी हैं वो उपस्थित है, पंचायत प्रतिनिधि के रूप में मुखियागण उपस्थित है, और हमारे पेयजल स्वच्छता विभाग के जितने भी अभियंता हैं और जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के जितने भी जिला समन्वयक प्रखंड समन्वयक है वो उपस्थित है, जो ग्रामीण लेवल में ग्राम स्तर पर ग्रास रूट में इस कार्यक्रम को ले जाएंगे। इसी के तहत एक शुभारम्भ है इस जिले का, और ज़िले में इसको हम लोग कार्यशाला के बाद ये प्रखंड स्तर और ग्राम स्तर किया जाना है। कब से ये योजना शुरू हो गई? ये योजना शुरू हो चुकी है, इसका तो आप लोगों ने पहले भी मीडिया के माध्यम से खूब प्रकाशित भी किया है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है पूरे विश्व में। ये सिर्फ झारखंड और पूर्वी सिंहभूम की बात नहीं है, पूरे इंडिया में जो है 2024 तक जितने भी ग्रामीण घर हैं सभी घरों में क्रियाशील नल जल उपलब्ध कराया जाना है, वो चाहे सरफेस सोर्स से हो, यानी कि अगर नदी है तो नदी के माध्यम से बड़ी योजना बना करके प्रत्येक घरों को नल से आच्छादित करना है, और यदि नदी नहीं है तो उस क्षेत्र में पहले से जो नलकूप वहाँ क्रियाशील है इसका पानी अच्छा है उसके तहत, और या तो अगर नहीं है तो नए नलकूप यानी भूमिगत जल के आधार पर इसको आच्छादित किया जाना है, और इसका प्रारंभ हो चुका है, और इसका अंतिम जो लक्ष्य है वर्ष जो लक्ष्य है वो 2024 तक पूर्ण करना है। सर अभी तक कितना परसेंट? हाँ, पूरे अगर इंडिया लेवल में बात की जाए तो अभी 54% उपलब्धि है, और अगर हम राज्य की बात करें झारखंड राज्य में तो झारखंड राज्य का प्रतिशत अभी 24.5 है, और इस ज़िले की अगर बात करें तो अभी 27.5 इसकी उपलब्धि है अभी। सर क्या लगता है कि 24 तक योजना पूरा होगा, क्योंकि जिस तरह से अभी तक 27% यहाँ पहुँचा लग रहा है कि 2024 तक पूरा होगा? हाँ, योजना को पहले तो पूर्ण करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि जो ग्राम स्तर पर जो मैपिंग करना है कि किस गांव को हम किस योजना से आच्छादित करेंगे वो सबसे ज़रूरत है, वो काम इस ज़िले में पूर्ण हो चुका है कि हम किस योजना से किस स्कीम से किस गांव को हम उसको आच्छादित करेंगे, वो काम पूर्ण हो चुकी है, वो सैंक्शन भी है, तो वो पहला मेरा काम पूरा हो चुका है। अब वो काम अभी प्रारंभ है फील्ड में, जिसके तहत हमने कहा कि 27% पूर्ण हो चुका है, जो शेष बचे हैं उसको पूरा करने के लिए जो हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, जो जिला स्तरीय पदाधिकारी भी है विभिन्न विभागों के, और मुखिया हैं पंचायत लेवल पे, जलसैया हैं,